उस क्षीर कदम्बक को उपदेश देते हुए कहा, हे भव्य प्राणी, संसार में परिग्रह सबसे बड़ा कष्ट है। संसार में वस्तुएं इस जीव को प्रलोभन देती हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, और उस आकर्षण से आकर्षित हुआ जीव उन वस्तुओं का संचय कर लेता है। उसके निमित्त से घोर घोर यह जीव पाप करता है, और पाप करके फिर यह नरक आदि गतियों का बंद कर लेता है। इसलिए संसार में कोई भी वस्तु धारण करने योग्य नहीं है। यदि धारण करने योग्य कोई है तो उसका नाम अणुव्रत और महाव्रत है। महाव्रतों को धारण करते हुए यह जीव संपूर्ण परिग्रह से, संपूर्ण पापों से, संपूर्ण कषायों से मुक्त होता हुआ अपनी आत्मा में जो लगे हुए कर्म हैं उन कर्मों को पृथक करते हुए और केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। पुनः ये जीव मोक्ष को प्राप्त करके फिर कभी संसार में भटकने नहीं आता है। इसलिए हे भव्य, तुझे वह जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने योग्य है। वह तप जो महाव्रतों के माध्यम से जाना जाता है, उस तप को धारण करना ही तेरे लिए श्रेयस्कर है। ऐसा उपदेश सुन करके उस ब्राह्मण क्षीर कदम्बक को अपने भव अंत दिखाई देने लग गए, और उसने तुरंत वहीं बैठ करके उन मुनिराज के चरणों में निवेदन कर दीक्षा को ग्रहण कर लिया, और उन्हीं मुनिराजों के साथ बैठ करके तप साधना करने लग गया। इधर जब पर्वत, नारद और वसु तीनों अपने गुरु क्षीर कदम्ब के घर वापस पहुंचे, तब माँ ने पर्वत को अकेले आते देखकर उससे पूछा कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए। तब पर्वत ने कहा, माँ, पिताजी ने हम सबको आदेश दिया है कि सभी अपने अपने गृह निवास को चले जाओ, इसलिए आज से सभी ये हमारे जो मित्र हैं ये अपने अपने गृह निवास चले जाएंगे, और मुझे आपके साथ रहने का आदेश दिया है, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा। पर ब्राह्मणी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हमारे पतिदेव ने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे कोई सूचना भी नहीं दी कि सब शिष्यों की पढ़ाई पूर्ण हो गई है और मैं इनको घर वापस पहुंचाने वाला हूं, अन्यथा मैं सब बच्चों के लिए कुछ पकवान भोजन आदि बनाती, क्योंकि विद्या अध्ययन के बाद इनका मुख मीठा कराना चाहिए, इनके मुख में कुछ मिष्ट वस्तु डाल करके शगुन करना चाहिए था। इसलिए उसने सोचा कि शायद मुझको बताना भूल गए होंगे, इसलिए उसने खीर बनाना प्रारंभ की, और पति के इंतजार में संध्या वेला हो गई, पति अभी तक नहीं आए, वह खीर तो अपने स्थान पर ही रखी रह गई, क्योंकि जिसका पति सुबह से शाम हो गई हो, घर में वापस नहीं आया हो, उस पत्नी का हृदय तो दुखित हो ही जाता है, नाना शंकाओं से भरने लग जाता है, नाना प्रकार के विकल्प जाल, नाना प्रकार की बातें उसके मस्तिष्क में दौड़ने लग जाती हैं। ऐसे ही उस गुरु रानी के मन में भी बहुत सारे संकल्प विकल्प उत्पन्न होने लग गए, कहीं किसी क्रूर बंचर प्राणी ने उनके प्राणों का घात तो नहीं कर दिया, कहीं मुष्ट रुष्ट होकर के और कहीं अन्य देश तो नहीं चले गए, क्या कारण हो गया, अभी तक क्यों नहीं लौटे, कहीं पर्वत आदि से फिसल करके और आत्मघात तो नहीं हो गया है, नाना प्रकार के क्वेश्चंस प्रश्न उस गुरु रानी के दिमाग में आने लग गए। गुरियाणी, तब पर्वत से उसने कहा, एक दिशा में पर्वत को पहुंचाया, एक दिशा में नारद को पहुंचाया, और कहा दोनों पुत्र और वसु को अपने ग्रह के लिए भेज दिया। पर्वत और नारद दोनों दो दिशाओं में गए, जाकर के खूब खोजा, पर गुरु का कहीं भी पता नहीं लगा। चूंकि रात्रि हो चुकी थी, इसलिए दोनों बालक वापस आ गए और आकर के माँ से कहा कि हमने काफ़ी खोजा, लेकिन अभी पिताजी का कुछ भी पता नहीं लगा है, शायद तप आदि करने के लिए वन में प्रवेश कर गए हों, हम सुबह जाकर उनको ढूंढेंगे। अब रात में नींद कहाँ,
अब कहाँ रात में नींद आएगी। पूरी रात उन गुरुराणी की करवटें बदलते और नाना प्रकार के विकल्पों को चलते, नाना प्रकार की बातों को सोचते सोचते उसकी पूरी रात व्यतीत हो गई। एक क्षण के लिए भी उसको आंखों में नींद नहीं आई। नाना विकल्प जाल चलते रहे, क्या हो गया होगा, क्यों चले गए, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी जिसके कारण से रुष्ट होकर के मुझे छोड़ गए हों। इस प्रकार से नाना चिंतन करती हुई वह गुराणी पूरी रात व्यतीत कर दी। सुबह पुनः पर्वत अपने पिता की खोज में गया तो जिस वन में मुनिराज तपस्या कर रहे थे और उनके पास में ही वह क्षीरकदंबक दिगंबर मुनिराज बने बैठे थे, जाकर के उनको देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लग गई। लगता है इन नग्न साधुओं ने हमारे पिता के ऊपर कोई जादू कर दिया है जिससे ये भी कपड़े फेंक करके और नंगे होकर बैठ गए हैं। अब उसको क्या पता बेचारे को, अज्ञानी जीव नग्नता को कहां समझ पाते हैं। तो सर अज्ञानी जीव नग्नता में नंगापन देखते हैं, उनकी दृष्टि खोटी दृष्टि है, उनके पास आंखें नहीं कांच के बट्टे हैं कंचे। जिन जीवों को वैराग्य में भी राग नजर आता है, जिन जीवों को नग्नता में नंगापन नजर आता है, वे जीव आंखों से नहीं देखते हैं कंचों से देख रहे हैं। उनके आंखें नहीं, उनके तो आंखें कांच के गोले हैं। आचार्य रविशरण स्वामी ने उदाहरण दिया है इनका, जिस मस्तिष्क में दिगंबर मुनि राजों को देख करके ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, उनके प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, वह मस्तिष्क मस्तिष्क नहीं, वह मस्तिष्क को सर्पणी की बामी है जिसमें सर्पणी हर समय फन फड़फड़ा रही है। उसकी प्रज्ञा प्रज्ञा नहीं, उसकी प्रज्ञा तो दूषित मल है, दुर्गंधमय मल है, ऐसा आचार्य रविशरण स्वामी ने प्रारंभ में लिखा है। उन जीवों का ही मस्तिष्क मस्तिष्क है, जिन जीवों का मस्तिष्क तत्व निर्णय करने में सम्यक कार्य करता है। शेष तो सभी सड़ा हुआ नरियल है, नरियल भी नहीं, सड़ा हुआ नरियल का खोल है। इसलिए प्रज्ञा का समीचीन प्रयोग करना चाहिए, नहीं पता होता है तो मुख नहीं खोलना चाहिए, पहले शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, पहले ज्ञान अर्जन करना चाहिए, ज्ञान के बाद अपने मुख को अपनी जीवा को हिलाना चाहिए, क्योंकि आपके अज्ञानता से न जाने कितनों के हृदय टूक टूक हो जाते हैं। इसलिए विद्या अध्ययन करना चाहिए, फिर दिगंबर मुनिराजों के लिए अपनी जीवा हिलाना चाहिए। वह बेचारा पर्वत इस दिगंबर मुद्रा से अनजान था, नहीं जानता था, इसलिए भागा भागा अपनी माँ के पास गया और माँ से कहता है, हे माँ, कुछ नग्न वेशधारी साधुओं ने हमारे पिता के ऊपर लगता है कोई जादू टोना कर दिया है, हमारे पिताजी भी नग्न होकर के और उन दिगंबरों के बीच में बैठ गए हैं। भागी भागी वह स्त्री क्षीरकदंब की पत्नी उनके पास पहुंची, बार बार अनुनय विनय करती है, निवेदन करती है कि आपके बिना मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, आप ही तो मेरे सर्वस्व मेरे सब कुछ हो, आप ऐसा धारण कर लोगे वेश धारण कर लोगे, आप साधु बन जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा, इस पुत्र का क्या होगा, इस घने जंगल में आपके सिवा हमारा है ही कौन। जीव अपना सुख देखता है, जीव अपना मतलब देखता है, यह नहीं देख रहा। राग की धारा देखो आप, यही तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, यही तो अमित भैया, यही तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। जीव अपना राग देख रहा है, व्यक्ति अपने राग के साथ लिए संबंध बैठा के रखा हुआ है ना, आपकी आपके लिए संबंध स्थापित करके रखा हुआ है। स्वार्थ के सब साथी अपना ना कोई,
स्वार्थ के साथी अपना न को, अपना जगत में कोऊ नहीं है, कोऊ अपना नहीं है, दुख में कोई साथ नहीं देता। योग सागर जी, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, इस जगत में अपना कोई नहीं है, सारे अपने अपने मतलब के लिए संबंध स्थापित करके रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं। नहीं नहीं विश्वास हो रहा हो इस बात को तो परीक्षा करके देख लेना। निब्र सागर जी, एक कहानी आपकी वाली याद आ गई कि जगत में कोई किसी का नहीं होता, मित्र तू ही अपना मान के बैठा हुआ है, तुझे लग रहा है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी, मेरा घर, मेरा परिवार, कोई तेरा नहीं है। जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तुम कमा कमा के प्राण दिए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, हवेलियों पे हवेली बनती चली जा रही हैं, घरों पे घर बनते चले जा रहे हैं, पुत्र से पूछ लेना इतना। एक दिन शायद मैंने बोला था, प्रवीण भैया से बोला था एक दिन मैंने, पुत्र से बस इतना पूछ लेना कि मित्र मेरा एक काम को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरी हवेली पूरी संपत्ति सब तू रख ले, एक काम कर दे बस, जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाए उस दिन मुझे हवेली के एक कमरे में ले जा करके या तो दफन कर देना या फिर उस हवेली में ही मेरा दाह संस्कार कर देना। है? किसी भाव नहीं करेगा, जानते हो पर क्यों नहीं मानते हो साहूला जी, क्यों नहीं मानते हो? ये देखो सारे आगरावासी भी यही चाह रहे हैं, आप मान तो जाओ, मान ही नहीं रहे हो। आचार्य गुरुदेव विश्वनाथ सागर जी आए थे 2012 में, तो एक ले गए थे, हमें के खाली पहुंचाओगे? आचार्य गुरुदेव आए थे तो खाली हाथ नहीं गए थे, भर के गए थे, हमें खाली पहुंचाओगे क्या? तुम मानते क्यों नहीं? मान जाओ ना। देखो सबकी आंखें साहूला जी पर टिकी हुई हैं, सब चाह रहे हैं साहूला जी दिगंबर मुनिराज बन जाए, जल्दी बन जाए और छिपी टोला में आए, मुद्रा लगा करके छिपी टोला में आए। हम सभी चौका लगाओगे कि नहीं लगाओगे भैया? ऐसा तो नहीं करोगे कि बोले कि अब हमारे यहाँ चौके की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, साहूला जी इनके घर में लगवा दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं करोगे? बहुत बढ़िया, लो एक चौके की व्यवस्था हो गई, हमारे अध्यक्ष साहब ने वचन दे दिया है, साहूला जी जब आएंगे पहला चौका हमारा। और हम तो कह रहे हैं चौके के लिए थोड़ी अपन साधु बनते हैं, साधु बन जाओ, चौके तो अपने आप पीछे पीछे चलते हैं। कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। परीक्षा करने के लिए कह दिया, एक मित्र था उसको लगता था मेरी पत्नी तो मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, मर जाएगी। एक साधु महात्मा मिल गए योग सागर जी जैसे, थोड़े मस्खरी करने वाले, उनने मजाक मजाक बोल दिया, भैया तेरा कोई नहीं है, ये तेरा भ्रम पड़ा हुआ है कि तेरी पत्नी तेरी है, कोई तेरा नहीं है। बोले नहीं महाराज, मेरी पत्नी तो मेरे लिए जान देती है, मेरी पत्नी मेरी आज्ञाकारिणी है, जितना बोलता हूँ उतनी चलती है, जहाँ बोलूँगा वहाँ बैठेगी, जो कहूँगा वही करेगी, और मेरे बिना एक पल भी उसका व्यतीत नहीं होता, हर क्षण मुझे स्मरण करती रहती है। योग सागर जी बोले भैया भूल में पड़ा है तू। भैया क्या नाम? नवीन भैया के आगे, नितिन भैया के आगे, सचिन भैया। योग सागर जी बोले बेटा भूल में पड़ा है तू, पूछ लेना एक बार, कम से कम सत्य का बोध तो हो जाए, सच्ची पत्नी होगी तो जवाब सही देंगी कि देखो ऐसा है, हम आपके कहलाते जरूर हैं लेकिन हमारा आपका कोई संबंध नहीं है,
पर्याय पर्याय का संबंध है, पर्याय पति है पर्याय पत्नी है, मैं आत्म द्रव्य जीव द्रव्य, ना तू पति ना मैं पत्नी, मेरा द्रव स्वतंत्र है तेरा द्रव स्वतंत्र है। सच्ची पत्नी होगी तो ऐसे ही बोलेंगी, कम से कम आपको इस बात का भान तो करा देंगी, फिर भी नहीं निर्णय कर पा रहे हो, बड़ी दुखी बात है। अब पत्नी ने कह दिया भैया तुम हमारे को नहीं हो, तब भी नहीं छूट पा रही है, बड़ी विडंबना है। अब क्या कहे बेचारी, अब धक्के तो नहीं मार सकती, धर्मात्मा जीव है धक्के तो नहीं मार सकती। इतना बता दिया इसमें ही वैराग्य प्राप्त कर लो, इसमें ही वैराग्य प्राप्त कर लो, अपना कल्याण कर लो, इतना तो कह दिया कि तुम हमारे कौ नहीं हो। अब भी कह रहे हो मेरी पत्नी तो तुम्हारी अज्ञानता है, अपनी दुर्बुद्धि है कि हम द्रव को अपना मान के बैठे हैं। तो योग सागर जी ने उससे बोल दिया अच्छा आज परीक्षा कर ले, तुझे सांस रोकने का अभ्यास है, एक काम कर ले आज घर जाना, वो घर जाके जाते से सीधा एकदम धड़ाम से पड़ जाना और श्वास रोक लेना। उसने वैसे ही किया, घर गया, वो घर जाके देहरी पे पैर रखते ही धड़ाम से आधा एक पैर देहरी के भीतर एक पैर देहरी के बाहर और धड़ाम से गिर गया। वहां से पत्नी चीखते हुए आई, अरे स्वामी क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, आपको लगी तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं आई? बड़ा खुश हो रहा था, देखो मैं बोल रहा था महाराज से कि मेरी पत्नी मेरी बहुत केयर करती बहुत फिक्र करती है, विवेक भैया मेरी पत्नी मेरी बहुत फिक्र करती है बहुत केयर करती है, मेरे बिना नहीं जी सकती मुझे पता है। पर महाराज ने बोला था थोड़ी देर श्वास रोक के पड़े रहना, तो भैया पड़ गए, श्वास निरोध कर लिया, श्वास को रोक लिया। अब दो चार बार पत्नी ने पटका हाथ छाती पे और देखा अब तो ये हिल ही मिल नहीं रहे, बोले चले गए क्या? श्वास श्वास देखी नाक पे हाथ लगा के देखा, श्वास तो चल नहीं रही है। पत्नी ने सोचा अभी रोऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, अब भी तो इनके लिए मैंने अच्छी अच्छी खीर बनाई थी और सवारी बनाई थी, सवारी मतलब पूड़ी, इनको खीर पूड़ी बहुत पसंद है और आज भी तो मैंने इनके लिए खीर पूड़ी बनाई थी और ये तो बिना ही खाए चले गए, अब अगर अभी रोना धोना शुरू कर दूंगी इनके चक्कर में मैं दोपहर भर से भूखी बैठी हूं, शाम हो गई पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, इनके चक्कर में पूरे दिन से भूखी बैठी हूं, सुबह से शाम हो गई कुछ नहीं खाया, आए और आते ही चले गए तो मैं भूखी बैठी हूं, अब रोऊंगी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे फिर पूरे रात मुझे भूखा पट सुनना पड़ेगा, धीरे से पहले खीर पूड़ी सूत लो फिर रोएंगे। देवी गई और चौके में से हंडी में से तुरंत जल्दी जल्दी उसने खीर निकाली, थाली में पूड़ी निकाली और सटासट ये नजारा भैया हमारे देख रहे थे पड़े पड़े, वाह देवी मैं तो समझता था मेरे बिना तू जी नहीं सकती, मेरे बिना तो तू भूखी नहीं रह सकती, मेरे बिना तो तू भूखी नहीं रह पा रही है, जीने मरने की क्या बात कहें, ये जीने की मरने की जितनी बातें हैं वादे हैं कस्में हैं ये सब मिथ्या हैं व्यर्थ की बातें हैं, कोई किसी के लिए नहीं जीता कोई किसी के लिए नहीं मरता, अपनी वासनाओं के लिए लोग जीते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग जीते हैं। आपको ईमानदारी वाली बात तो बता देना, आज इनको सत्य का बोध करा ही तो दो, हमें बहुत अच्छे से पता है ये नहीं छोड़ेंगे आपको, कर्रा बंधा है सांकल बंधी है रस्सी नहीं बंधी है नहीं टूट पाएगी, पर सत्य का कम से कम बोध तो इनको आज करा ही दो, मेरी एक बात तो बता दो कि आपका वास्तव में मन करता है कि इनके झूठे बर्तन मांझूं मैं, आपका वास्तव में मन करता है इनके मैले कुचेले गंदे कपड़ों को मैं धोऊं, क्या आपका वास्तव में मन करता है इनके लिए नई नई पकवान बना बना करके रोज रोज इनको मैं नए नए पकवान खिलाऊं, क्या आपका रोज ऐसा मन करता है कि इनके द्वारा प्रदत्त ये पुत्र की मल को मैं प्रतिदिन साफ करूं, अच्छा लगता है आपको ये सब?
देखो कोई की मुंडी नहीं हिलेगी। नहीं लगता तो ना कर दो, नहीं करेंगे। अब चिंता नहीं करो, लाके आपको ही देंगे, कहां जाएंगे बेचारे, घबराओ मत, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। कल से रोटी मिलना बंद हो जाएगी, उनको भी भय है।